हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे मैथ्स का टेस्ट नंबर 17। चलिएगा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संस्थान में पुरुष और महिला छात्रों की संख्या का योग 100 दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जो पुरुष हैं और महिला हैं, मतलब मेल प्लस फीमेल, इनका सम कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। यदि पुरुष छात्रों की संख्या x है, तो जो पुरुष छात्र हैं उनकी संख्या हमने x मान ली यहाँ पर, तो महिला छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x परसेंट हो जाती है। तो जो महिला छात्रों की संख्या वो कितनी, टोटल छात्र कितने, 100, 100 का x परसेंट हो जाती है। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 100। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से हमारी 50x की वैल्यू आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो पुरुष छात्रों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 50 पुरुष छात्रों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि 11 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 9 -16 की पावर 100 प्लस 25 की पावर 35 -16 की पावर 4 +29। और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिएगा 1 की पावर कितनी भी कर लो कितना आएगा, 1 + 1 की पावर 1 माइनस यहाँ पर क्या है 6 की पावर, देखिएगा तो 6 आ जाएगा, प्लस 5 की पावर 5 5 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, +9 है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ क्या होगा, 5 और 2 7, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस का 5 + 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इसका डिजिट, यूनिट डिजिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि पूजा और दीपिका ने क्रमशः ₹P और ₹60,000 के निवेश के साथ एक साझेदारी किया। जो पूजा है और ये दीपिका है, इसने क्या किया, इसने तो ₹P लगाए और इसने ₹60,000 लगाए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के लिए इन्होंने ये लगाए हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि पूजा एक वर्ष के बाद पूजा अतिरिक्त ₹15,000 का निवेश करती है और दीपिका ₹15,000 वापस ले लेती है। तो एक वर्ष के बाद ये क्या करती है, ये तो इसमें 15,000 के ऐड कर देती है और ये इसमें से 15,000 माइनस कर देती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसके बाद ये कितने रह गए, P+15 के इसके हो गए और इसके कितने रह गए, तो इसके 45,000 रह गए। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं कि 2 वर्षों के अंत में उन्होंने लाभ की एक निश्चित धनराशि अर्जित की। 2 वर्षों में उनकी टोटल कितनी होगी, तो देखिएगा P+15 के होगी इनकी 2 वर्षों में, और इसकी कितनी होगी, तो इसकी 60,000 और 45,000, तो कितनी होगी 10,000, 1,50,000 होगी। ठीक है, 10,105,000 होगी। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, पूजा और दीपिका के हिस्सों का जो अनुपात दे रखा है वो कितना है, 11/7 है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे 2P+15K डिवाइडेड बाय 105K इज इक्वल टू 11/7। जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो 14P+15×105K इज इक्वल टू 11×105K। यहाँ से 14P इज इक्वल टू, इसको इस साइड करेंगे तो 11 में से 1 जाएगा, 11 और -1 तो 10 हो जाएगा, × 105K। 14P इज इक्वल टू 10×105K, और यहाँ से जब इसको सोल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 14 और 7 × 7 = 7, 7×5 = 35 और 2×5 = 10। ठीक है, 15×5 = 75। तो जो P की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 75K, मतलब 75,000। जो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है कि x + y = 15 और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x³ + y³ + 45xy। x³ + y³ +
45xy की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका क्यूब रूट कर, इसका क्यूब कर देंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab इंटू abxy हो जाएगा यहाँ पर, xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 15 इंटू 345xy, और ये इस साइड इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 15 का क्यूब। तो ये 15 का जो क्यूब है ये कितने, किसके इक्वल हो जाएगा, 3375 के इक्वल हो जाएगा 15 का क्यूब। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते समय एक कार d किलोमीटर की दूरी तय करने में वास्तविक समय से 15 मिनट अधिक लेती है, और 90 किलोमीटर की गति से समान दूरी तय करने में वास्तविक समय से 25 मिनट कम लेती है। तो d का मान ज्ञात कीजिएगा। अगर सेम डिस्टेंस है तो क्या फॉर्मूला होता है, 75 गुणा 90 बटे इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, तो इनका डिफरेंस हो गया 15 गुणा में कितना टाइम हो गया, 25 और 15 इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 40/60, ये मिनट में से तो इनको हावर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 × 4 = 6, इसको कैंसिल आउट करेंगे, फिर अब हम 15 × 6 = 90 और 3 × 6, और ये कितना हो गया, 75 × 150 और 150 × 300, तो 300 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस आगे, डी की वैल्यू आगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इज, ये इतना दे रखा है, जो वॉल्यूम दे रखा है हेमिस्फीयर का कितना होता है, 2/3 πr³। ये हेमिस्फीयर का क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ये कितना दे रखा है, 2425 / 1/2, इसको इससे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 10 और ये एक ऐड होगा तो यहाँ पर एक ऐड कर लेंगे, 5 × 10 और 1 × 11 एक हो गया, और 2 × 4 = 5, 4 × 8 और 2 × 4 बटे में 2 हो जाएगा, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुना में आर क्यूब एज इट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से हम, तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 11 से काट देंगे, 11 × 22, 11 × 44 कितना बचेगा, 4, 11 × 44, 11 × 11, ठीक है। अब इसको आर क्यूब को एक साइड कर लेंगे और इस सभी को इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 441, और ये वाला ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2 × 2 × 2। तो देखिएगा ये किसके इक्वल हो गया, ये 21 के क्यूब के इक्वल हो गया, और ये किसके इक्वल, तो 2 के क्यूब के इक्वल, जो r की वैल्यू आई वह क्या आ गई, 21/2 r की वैल्यू आ गई है। और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हेमिस्फीयर का, तो उसका कितना होगा, 2πr² उसका हेमिस्फीयर का वक्र कर्व सरफेस एरिया होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × 22/7 गुणा r की वैल्यू 21/2 गुणा में 21/2, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट, और 2 से 11 पर, और 7 × 21 11 × 33, और 21 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 33 और 21 की मल्टीप्लाई, 1 × 3 × 3 और 3 × 6 और 3 × 6, तो 693 जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ये एक डाटा दिया गया है, इसको डाटा को सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखते हैं, तो सबसे पहले दिया गया है 3, उसके बाद 3 कितनी बार दिया गया है ये देखिएगा, 3 दिया गया है 4 बार, 3 4 बार दिया गया है, उसके बाद क्या है, 4 है, कितनी बार, 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार, 3 बार 4 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 7 है, 7 कितनी बार है, ना 6 भी है उससे पहले, तो 6 कितनी बार दिया गया है, 6 एक बार दिया गया है, ठीक है, तो 6 हो गया। उसके बाद 7 कितनी बार है, 2 बार 7 दिया गया है, और उसके बाद 9 कितनी बार है, तो 2 बार 9 है। उसके बाद देखिएगा क्या है, 13 कितनी बार है, तो 1 बार 13 है,
उसके बाद 16 है और फिर 23 है, ठीक है। ये हमें डाटा दिया गया है और इसके अंदर टोटल कितनी है ये, तो 2, 2, 4, 2, 6, तो 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। देखिएगा यहाँ पर भी इतनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक बचगी, कौन सी बचगी ये देखिएगा, 3 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 बार है, उसके बाद 4 कितनी बार है, 1, 2, 3, 3 बार 4 है, उसके बाद 5 है नहीं, 6 कितनी बार है, तो 2 बार 6 है, 6 हमने एक बार लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, होगी टोटल 16। उसके बाद क्या क्या रखा है कि इसके अंदर मोड फाइंड आउट कीजिएगा, तो मोड फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही हमारा मोड होता है, तो मोड की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3 हमारी मोड की वैल्यू हो जाएगी। और मीडियन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इवन नंबर है तो इसमें क्या करेंगे, जो 16 नंबर है ये, तो 16 में क्या करेंगे, 8वीं टर्म 8th टर्म प्लस 9th टर्म डिवाइडेड बाय 2, 8th टर्म जो कौन सी होगी इसके अंदर, तो ये 6 प्लस 6 12, 6 प्लस 6 बटे 2, तो ये कितनी हो जाएगी, 12 बटे 2, और 6 हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। और मीडियन और मोड जो है इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 3 इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए के पास कुल 300 पुस्तकें हैं, ए के पास बी से 20% अधिक पुस्तकें हैं, तो जो ए है इसके पास बी से 20%, 20 का मतलब होता है 1/5, तो 5 से 6, बी के पास 5 है तो इसके पास 6 हैं, और सी के पास बी से 30% कम पुस्तकें हैं, 30% कम पुस्तकें हैं सी के पास बी से, ठीक है। तो बी के पास कितनी होगी, 10, और इसके पास कितनी होगी, 7, तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे यहाँ से, ये क्या आ जाएगा, देखिएगा जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो इनमें से कॉमन कौन सा है, तो 5 इनमें से कॉमन है, 5 से जब इसको 5 5 और यहाँ पर 2, तो ये कितना आ जाएगा, 12, और ये कितना आ जाएगा, 10, और ये कितना आ जाएगा, 7, तो ये रेशियो हमारा आ गया। उसके बाद क्या कहता है कि ए के पास कुल 300 पुस्तकें हैं, ए के पास रेशियो में कितनी है, 12, तो 12 रेशियो किसके इक्वल हो गया, 300 के, एक रेशियो किसके इक्वल आ गया, 25 के। तो उसके बाद क्या कहता है कि सी ने पुस्तकों का 2/5 भाग पढ़ा है, 2/5 भाग पढ़ा है, सी द्वारा कितनी पुस्तकें नहीं पढ़ी गई, 2/5 भाग पढ़ा है, तो कितना बिना पढ़ा रहा, 3/5 उसके पास बिना पढ़ा रहा, और उसके पास टोटल कितनी है, 7 × 25 × 3/5, 5 × 25, और इसका कितना हो जाएगा, ये 5 × 7 = 35, और 3 = 105 जो है ये बिना पढ़ी पुस्तक उसके पास है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये हमें एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में क्या है कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज, समचतुर्भुज बनाया गया है, क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाया गया है, देखिएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ये इसके अंदर बना देते हैं हम, ठीक है, ये इसके अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्या नाम दे रखा है इसको, PQRS, ये इसको नाम दे रखा है, और इसके अंदर जो ये एंगल है ये कितना दे रखा है, 110 दे रखा, 110 डिग्री दे रखा है पी एंगल, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है PQR, तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, देखिएगा, और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समानांतर है, तो ये वाला एंगल 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि जो अपोजिट एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं और उनके इंटरनल जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो 70 70 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 110, तो ये जो एंगल हमें पूछ रखा था इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारे से कौन सा पूछा गया था, तो हमसे एंगल PQR पूछा गया था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 110 हो जाएगा, 110, क्योंकि जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका जो इंटरनल, जो ये दो रेखाएं हैं ये समानांतर हैं और इनको ये एंगल काट रहा है, तो जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री, तो जो ये एंगल है ये 110 हो जाएगा, और ये जो ये एंगल है ये 70 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट एंगल का सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, 110, जो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 8 पेन और 3 पेंसिल की कीमत,
आठ पेन हैं और तीन पेंसिल हैं। इनकी कीमत इज इक्वल टू 3 पेन प्लस और 9 पेंसिल जितनी है। 3 पेन और 9 पेंसिल, 9 पेंसिल जितनी इनकी कीमत है। तो देखिएगा, यहाँ से पेन पेन को एक साइड कर लेंगे और पेंसिल को एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ से 5 पेन जो है वो किसके इक्वल आ गए, तो 6 पेंसिल के इक्वल आ गए 5 पेन। तो जो पेन और पेंसिल का जो रेशियो आ गया, ये कितना आ गया कि कीमत का जो रेशियो आ गया कितना आ गया, 6/5। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। एक पेंसिल की जो कीमत है उसका पेन की कीमत से अनुपात क्या हो गया, 6/5 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है कि रवि ने अपनी कुल धनराशि में से 35% जया को दिया। 35% का मतलब क्या होता है, 7/20। 35% का मतलब होता है 5 × 7 = 35 और 5 = 20। ठीक है, 7/20 होता है, तो मतलब मान लीजिएगा रवि के पास टोटल 20 है, तो उसने क्या किया, 7 किसको दे दिया, ये 7 दे दिया उसने जया को। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि रवि ने अपनी प्रारंभिक धनराशि का 15% ज्योति को दिया। 15% ज्योति को दिया है उसने, और जया ने रवि से प्राप्त धनराशि का 25% ज्योति को दे दिया। 15% जो 20 है, इसने 15% दिया है। देखिएगा 15 का कितना हो गया, 5 × 15 और 20, तो इसने कितना दिया है इसको, इसने इसको 3 दिया है। 15% दिया है तो इसने इसको 3 दे दिया। और इसमें क्या किया कि जो जया है उसने अपनी ये 7 रेशो इसको मिला था जया को, और इसने इसका भी 25% मतलब 1/4, 7 का 1/4 उसने किसको दे दिया, तो ये उसने दे दिया ज्योति को दे दिया। ठीक है, तो ज्योति के पास टोटल कितना हो गया, 4 × 12 और 7 = 19/4 हो गया ज्योति के पास। और उसमें क्या क्या रखा है कि यदि ज्योति को कुल 2850 रुपये मिलते हैं, तो ये 19/4 किसके इक्वल हो गया, 2850 के इक्वल कर दिया हमने। और इससे यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2850 × 4 और 19, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, तो रवि द्वारा जया को दी गई, तो जया को कितने रेशो दी गई, 7 रेशो, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे। और यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 19 × 1 = 19 और 19 × 5 = 95 और 0 × 2 = 15 × 60 और 7 × 6 = 42। तो जया को कितनी राशि दी गई, 4200 राशि जया को दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि मनुष्य जिसका वजन पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है, अर्थ पर उसका कितना है, 72 kg है, और उसका वजन मंगल ग्रह पर कितना है, तो जो मंगल ग्रह है उस पर कितना है, 24 kg है। तो जो उनका अनुपात है वो कितना आ गया, 1:3 में आ गया। उसके बाद क्या कहता है कि यदि मंगल पर वजन 35 kg हो, अगर 1:3 की वैल्यू 35 हो, तो 3:3 की वैल्यू कितनी होगी, 35 × 3, तो कितनी हो जाएगी, 105। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी है उस पर उसका 105 किलो वजन होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है कि एक समलंब के आकार के मैदान की समांतर भुजाओं की लंबाई जो है वो कितनी है, 48 मीटर है। ये एक समलंब है और इसकी जो समानांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई कितनी दे रखी है, 48 मीटर और 60 मीटर दे रखी है, और इनके बीच की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 75 मीटर दे रखी है। तो जो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × जो समानांतर भुजाएं होते हैं उनका सम, तो इनका सम कितना हो गया, 108 × इनकी ऊंचाई, तो इनकी ऊंचाई है 75, इसको कैंसिल आउट, 5 × 2 = 10, 2 × 4 = 8, तो 54 × 75 × में कितने रुपए प्रति, 11 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान की जुताई करनी है, तो 11 × में हो जाएगा। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से ये आ जाएगा 44,550 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि दो संख्याएं हैं 4:5 के अनुपात में हैं, उनका जो HCF दे रखा है, जो HCF दे रखा है वो कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, और हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो जो LCM होता है वो किसके इक्वल होता है, HAB के इक्वल होता है LCM। तो 13 × ये कितना दे रखा है, 4 × 5, तो ये 13 चौके 52
और 52 गुना 5 कितना हो गया, ये 5 दुनी 10, 1 5 25 और 1 26, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 260 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि कोस एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है -1/2। कोस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1/2। -1/2 है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई करेगा। और जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। और यहाँ से जब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 4 tan² x, 4 tan² x प्लस 3 cosec² x, इसमें हम जो x है इसकी वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 60 डिग्री पुट कर देंगे। तो जो tan 60 डिग्री है इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस कोसिकेंट 60 है जो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 4/√3 होती है कोसिकेंट 60 की वैल्यू, तो 3 × 4/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12 + 4 कितना आंसर आ जाएगा, 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एक व्यापारी अपने उत्पादों को क्रय मूल्य से 35% अधिक पर अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिलों पर 15% की कटौती की अनुमति देता है। 35% पर अंकित करता है तो 20 से कितना करता है, 27, और कटौती करता है 15% की कटौती, तो कितना, 20 से 17। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 20 से तो इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 400 और यहाँ से 459 आ गया। तो कितने का गैप है, 59 का कितने पर, 400 पर मल्टीप्लाई बाई 100, और ये कितना आ जाएगा, ये तो 14.75 यहाँ से ये आ जाएगा। और कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, तो 14.75% वो लाभ कमाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है कि एक घन की भुजा दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो जो उसका घन है जो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 15 का क्यूब, ए क्यूब होता है, तो ये जो 15 का क्यूब हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 33.75 उसकी वैल्यू आएगी। और उसके बाद क्या कहता है कि जो जिसका आयतन घन के आयतन से 175 सेंटीमीटर कम है, 175 सेंटीमीटर इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 7, 3 × 1 = 2 और 3200 कितना आ जाएगा, दूसरे का वॉल्यूम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। और उसके बाद क्या कहता है कि जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है, तो डिवाइडेड बाय 32 और कितना आ जाएगा, इसका जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, घनाब के आधार का जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, 100 उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, और ये जो घनाभ होता है उसका जो आधार होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, और उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है कि वस्तुओं पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस इनका जो औसत मूल्य दे रखा है वो 45 रुपये दे रखा है, तो ये टोटल कितनी है, 4, तो 45 × 4 इनका औसत जो मान है, मतलब इनका जो सम है वो हो जाएगा। उसके बाद वस्तु दे रखी है पी प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू, इनका जो औसत मान दे रखा है ये 38 रुपये दे रखा है, और ये टोटल कितनी है, तो 5 है, तो इनका जो सम हो जाएगा ये 38 × 5 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि यदि वस्तु क्यू टी यू, क्यू प्लस टी प्लस यू इनका मान कितना दे रखा है, 56 रुपये इनका औसत वैल्यू दे रखी है, और 56 × 3 कर देंगे तो इनका सम आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रखी है कि वस्तु क्यू का मूल्य ज्ञात कीजिएगा, हमें यहाँ से वस्तु क्यू का मूल्य ज्ञात करना है, और देखिएगा फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, पी आर एस, पी आर एस का की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इनकी जो मल्टीप्लाई है किसके इक्वल हो जाएगी, 5 × 20, 2 × 4 = 16 और 2 = 18, 180 आ जाएगी। और ये कितनी, 5 × 8 = 40, 4 और 5 × 3 = 15, 4 = 19, और ये कितनी आ जाएगी, 6 × 3 = 18, 1 × 5 = 15 और 1 = 16, ये इनकी टोटल मल्टीप्लाई आ जाएगी। उसके बाद देखिएगा क्या करेंगे कि इस इक्वेशन जो फर्स्ट है और इक्वेशन जो थर्ड है इसको हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, देखिएगा क्या होगा, तो पी प्लस क्यू, और क्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू कितना आ जाएगा, ये इनको दोनों को ऐड करेंगे तो
ये हो जाएगा 8, 8 6 14, 1 1 1 2 1 3, ठीक है। तो इसको फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो पी प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू इज इक्वल्स टू 190। जब माइनस करेंगे तो इनके साइन सब के चेंज हो जाएंगे, और पी से पी कैंसिल आउट, आर से आर, एस से एस, टी से टी और यू से यू कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से 8 0 और ये कितना हो जाएगा, तो 9 और 5 14, तो 14 में से 9 गए 5 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो 2 क्यू की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 158, और क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2 7 14 और 2 9 18, तो जो क्यू की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी 79 आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 40% अधिक है। मान लीजिएगा उसका सीपी जो है वो कितना है, 100 है, और उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 140 है। उसके बाद यदि इसका विक्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 73/1/2 है, तो 73/1/2 को फ्रैक्शन में कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 3 2 6 और 1 7 ऐड होगा, और 7 2 14, 147/2 हो जाएगा। अगर 140 का 147/2 हम जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 14 0 और 7 7 49 4 1 0 तो आएगी ही, 7 7 49 4 और 7 6 28 और 4 32 3, ठीक है। तो ये जो 140 हमारा मार्केट प्राइस दे रखा था, और ये 147/2 इसका करना है हमें 2% करना है, तो बटे में 200 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे ना ये, तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 7 49 4 और फिर उसके बाद 7 6 28 और 4 32 3, 7 1 7 और 3 10, ठीक है। और ये 1 0 आएगी, और डिवाइडेड बाई 100 भी है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 102.9 आ जाएगा ये। और जो इसका सीपी है वो कितना है, तो 100 है, और ये कितना है, 102.9 है, तो जो लाभ हो गया ये कितने का हो गया, 2.9% का इसको लाभ हो गया, ठीक है। हो जाएगा ना 2.9/100 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, 2.9% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि जो विभाजन के एक प्रश्न में इन एक इक्वेशन ऑन डिवीजन द डिवाइजर इज 6 टाइम्स, जो डिवाइजर है वो कितना दे रखा है, 6 टाइम्स ऑफ क्वोशेंट, क्वोशेंट का 6 टाइम दे रखा है, एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर, और जो डिवाइजर है वही क्या दे रखा है, 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, और जो इफ द रिमाइंडर इज 40, जो रिमाइंडर की वैल्यू हुई है 40 दे रखी है, तो जो ये डिवाइडेंड है, डिवाइजर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से 120 इसकी वैल्यू होगी, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 20। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि जो डिवाइडेंड है वो क्या होता है, तो जो डिवाइडेंड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से उसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी प्लस आर, इनका फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा इसकी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 इंटू इसकी वैल्यू कितनी, डिवाइजर की 120, प्लस आर की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ से 12 2 24 कितना हो जाएगा, ये 2400 प्लस 40, तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 2440। ऑप्शन नंबर जो बी है, 2440 ऑप्शन नंबर जो बी है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।